हेलो गाइस, वेलकम टू मुकेश ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में आपके सामने स्टोक्स थ्योरम स्टार्ट करने वाला हूँ। स्टोक्स थ्योरम क्या होता है? बेसिकली इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच का एक रिलेशन को ये दिखाता है। लाइन इंटीग्रल बताओ क्या होता है? इंटीग्रल अंडर द कर्व एफ वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। और सर्फेस इंटीग्रल बताओ क्या होता है? डबल इंटीग्रल अंडर द सर्फेस एस एन कैप डॉट कर्ल ऑफ एफ वैक्टर डी एस। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आपको ये पूछा हुआ है, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। वेरीफाई करना है मतलब ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ वेक्टर आपको कुछ दिया हुआ है। टेकन अराउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाई एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, वाई इक्वल्स टू जीरो टू वाई इक्वल्स टू बी। आपको ये बेसिकली प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रीजन देखो क्या है, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए दिया हुआ है, तो अपना ये प्लस ए का रीजन है और अपना क्या माइनस ए का है। वाई इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस होगा और वाई इक्वल्स टू बी ये वाला होगा। तो यहाँ चारों से हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ये जो वाई इक्वल टू जीरो दिया, दिस इज सी वन, कर्व सी वन होगा, ये सी टू होगा, ये सी थ्री होगा, ये अपना सी फोर होगा। ठीक है, जो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ओके वी नो सॉरी वी नो बाई स्टोक्स थ्योरम ठीक है, वी नो बाई स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, इंटीग्रल अंडर कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल अंडर द सरफेस एस एन कैप डॉट कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डी एस, ये अपना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो पहले एल एच एस निकालेंगे, फिर अपन क्या करेंगे आर एच एस निकालेंगे, फिर देखेंगे दोनों इक्वल आता है कि नहीं। तो एल एच एस निकालते पहले, दैट इज एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चूंकि यहाँ पे अपने को चार सरफेस दिया हुआ है, चार कर्व्स दिए हैं, एक दो तीन चार, तो ये पता क्या होगा, सी वन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्लस सी टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्लस सी थ्री, यहाँ पर बताओ क्या होगा तुम्हारा, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्लस सी फोर, यहाँ पर लिखो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। टोटल चार, यहाँ पे चार बार मुझे यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं, ये बहुत ईजी है। आप देखते चलो, देखो एफ वेक्टर डॉट डी आर वैक्टर क्या होगा, देखो यहाँ पे एफ वैक्टर देखो क्या दिया आपको, यहाँ पे ये दिया हुआ है, और डी आर वैक्टर क्या होता है आपका, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे होता है, ये क्या होता है अपना डी आर वैक्टर होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपना आर वैक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, डी आर वैक्टर क्वेश्चन डी एक्स आई प्लस डी वाई जे वैक्टर। ओके ठीक है, तो यहाँ पे जब i को i से इक्वेट करोगे और j को j से इक्वेट करोगे, तो देखो अपने क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू एक्स वाई, और देखो यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई आएगा। ठीक है, ओके, तो अब एक एक सरफेस का अपन निकालते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक एक अपन निकालेंगे ना, समझ के देखो। ओके देखो पहले वाले, देखो क्या होगा अपना यहाँ पे, देखो पहले वाले देखो क्या लिखा है, वाई को जीरो लिखा है, तो यहाँ भी देखो अपना क्या है, वाई जीरो है, देखो यहाँ भी अपना क्या है, वाई जीरो है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, डी वाई को जीरो लेंगे। तो जब डी वाई को जीरो होगा, तो पहले वाले कर्व के लिए देखो जो सी वन लिखा हुआ है, तो सी वन किसके लिए है कि नहीं, तो यहाँ अपना बताओ क्या होगा, डी वाई जीरो हो जाएगा, तो डी वाई भी जीरो है और वाई भी जीरो है। तो इस इक्वेशन जब आओगे, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डी एक्स वाला इक्वेशन रहेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स होगा। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, वाई अपना जीरो दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा अपने पास, एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बात आती है लिमिट की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डी एक्स लिखा हुआ है, तो लिमिट बताओ किसके लिए होगा, एक्स के लिए लिमिट होगा, डी एक्स लिखा है तो एक्स की लिमिट होगी यहाँ पे, और कहाँ से कहाँ तक बताओ, तो एक्स लिमिट माइनस ए से लेके, देखो अपने कौन सा लाइन है, माइनस ए की लाइन है, और ये बताओ अपना कौन सा लाइन है, ए की लाइन है, तो माइनस ए से अपना क्या आएगा, प्लस ए तक आएगा, तो माइनस ए से प्लस ए, ये अपना हो गया। ठीक है, अब दूसरे के लिए आते हैं। ठीक है, लिमिट डालते हैं,
इस वाले के लिए आते हैं, दूसरे का सी टू के लिए आते हैं। तो सी टू देखो क्या होगा, अपने पास एक्स इक्वल टू ए दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू ए दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए है, यहाँ पे आपका एक्स इक्वल टू ए है, तो मतलब क्या होगा आपका डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो आपको देखो क्या होगा, ये पूरा वाला जो टर्म है आपको क्या होगा, वैनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो अपनी ए के लिए कितनी है, ए है, तो दिस इज -2ay। और यहाँ देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी वाई लिखेंगे, और लिमिट बताओ कहाँ से तक, कहाँ तक रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगी। तो यहाँ बताओ वाई की, वाई की लिमिट बताओ क्या है, यहाँ पे वाई की लिमिट है 0, और यहाँ बताओ वाई की लिमिट क्या है, बी है, तो दिस विल बी फ्रॉम 0 to b, ठीक है। वैसे अब तीसरे वाले के लिए आते हैं, थर्ड वाले कर्व दैट इज इसके लिए आते हैं, तो यहाँ बताओ तुम्हारा क्या होगा, डी वाई 0 हो जाएगा, तो डी वाई 0 हो गया है, और यहाँ बताओ क्या है, वाई की वैल्यू देखो कितना दी है, बी दिया हुआ है, तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू देखा तुम्हें क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा। और लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, ठीक है, सी थ्री है ना ये थर्ड के लिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा। तो यहाँ क्या है, एक्स इक्वल्स टू ए है, और यहाँ बताओ क्या अपना, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए है, तो ए टू माइनस ए, ठीक है। और चौथा दिखाना अपने को, चौथा बताओ क्या होगा अपना, चौथे में बताओ क्या होगा, एक्स एक्स इक्वल्स टू माइनस ए दिया हुआ है, तो मतलब क्या है, डी एक्स अपना 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ भी क्या है, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, यहाँ बताओ क्या अपना, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए दिया हुआ है, दैट मीन्स डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो आपकी एक वैल्यू क्या है, एक वैल्यू देखो ये अपना 0 हो चुका है, तो उसको भूल जाओ, यहाँ पे आ जाओ बस। तो यहाँ पे जब आओगे तो आपको देखो एक्स के लिए, देखो एक्स की देखो वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, माइनस ए दी हुई है, तो माइनस ए, और यहाँ देखो माइनस ए दिया हुआ है, सॉरी माइनस दिया हुआ है, तो अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2ay हो जाएगा, ये प्लस हो गया 2ay, तो यहाँ देखो क्या लिखा अपन, तो डी वाई लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो आगे करना क्या, इसको सॉल्व करना बेसिकली, जो कि बहुत ईजी है, और इसको निकालिएगा आप, इसकी जो वैल्यू आएगी फाइनली आपको बता दे रहा हूँ मैं, दैट इज -4ab² ये अपना आएगा इसकी वैल्यू। अब मुझे करना क्या है, इसको इससे कंपेयर करना, किससे बताओ, तो इससे कंपेयर करना है, तो इसको पहले निकालना पड़ेगा मेरे को। तो पहले हम क्या निकालेंगे, देखो तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर निकालेंगे, तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर देखो क्या होगा अपना, ये आई जे यहाँ पे के, फिर देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई, डेल अपॉन में डेल जेड, ये अपना हो गया। यहाँ बताओ क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा जो आई की कोफिशियंट में, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, यहाँ बताओ क्या आएगा, जो जे के कोफिशियंट में दिया, दैट इज -2xy, और यहाँ पे के तो दिया नहीं है, तो इसलिए देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अपन यहाँ लिख दिए, यहाँ पे लिखो -2xy, और यहाँ देखो क्या लिखोगे, आप 0 लिखोगे, ये अपना हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे जो आपको फाइनली मिलेगा, आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज -4yk, ये अपना हो गया। अब मुझे देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एन कैप भी चाहिए, तो एन कैप क्या होगा, देखो यहाँ पे एन कैप यहाँ पे क्या होगा, एन कैप इक्वल्स टू क्या आपको के आएगा, ठीक है, एन कैप क्या होगा आपका के होगा, ओके। तो देयरफॉर इंटीग्रल अंडर द कर्व एस, सॉरी अंडर द सरफेस एस, एन कैप डॉट कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डी एस इक्वल्स टू, जो कि आपको निकालना है ना, दिस इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या होगा, दो लिमिट आएंगी यहाँ पे आपकी, दो लिमिट दी हुई है ना, तो यहाँ पर तो क्या करोगे, पहले के डॉट यहाँ पे लिखो -4yk, यहाँ पे लिखो डी एक्स, यहाँ पे लिखो डी वाई, तो एक लिमिट होगी एक्स के लिए, एक लिमिट होगी वाई के लिए, तो वो तो एक्स लिमिट तो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस ए से ए है, और वो तो वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके बी तक है, दैट इज -a to a, एंड यहाँ पर तो क्या आएगा आपका, 0 to b आएगा। इसको सॉल्व करो, सबसे सिंपल बात, पहले तो इसको से इक्वेट कर लो, तो अपना क्या होगा, ये -a to a होगा, यहाँ पर तो क्या होगा अपना, यहाँ पे 0 to b होगा, और ये बताओ अपने क्या होगा, -4y हो जाएगा, यहाँ पे लिखो डी एक्स, लिखो यहाँ पर डी वाई लिखो। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, इसको आगे सॉल्व करिएगा, और इसका जो आएगा आपका आंसर, वो फाइनली कितना आएगा आपका, आपका -4ab² आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या देखो, तो LHS = RHS हो जाएगा, ठीक है, विच इम्प्लाइज LHS = RHS। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, हैंस, लास्ट में क्या लिखोगे, देखो आप, हैंस स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है, थैंक यू।